जो आज हमारे पास है 4.3, ठीक है, उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हमने ना इसको मुक्तिसीर करना है। क्या करना है आप लोगों ने इसको? मुक्तिसीर करना है। मुक्तिसीर करने के लिए ना हमने सबसे पहले 180 की तजी करनी है। क्या करना है आप लोगों ने? 180 की फैक्टराइजेशन यानी तजी करनी है। कितना होता है? 290, 245, और किस पे जाते हैं? 5 पे। 5 9 टाइम और 3 3 और 3 1। यानी अगर आप लोग 180 की तजी करते हो ना, सबसे पहले 2 पे जाता है क्योंकि 0 है, फिर 5 से हम अंदाजा लगाते हैं, 5 पे जाता है, 9 3 के टेबल में 3 से ऑनवर्ड ऑफ लोग कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद देखो ऑनवर्ड आप लोग कुछ कर सकते हो इसको खुद भी। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 की 2 है। पहली बात आप लोगों ने याद रखना है, जदर की वैल्यू क्या आती है? 1/2। ठीक हो क्या? हमारे पास जो पावर बनती है वो 2 की 2 बनती है, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की 2। समझ आ गई इतनी? आप लोगों ने क्या करना है, हर एक के लिए पावर को अलग अलग कर लेना, ठीक है। ये 2 is 2 से क्या हो जाएगा? कैंसल। ये 2 is 2 से क्या हो जाएगा? कैंसल। जब 2 को आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 6, तो आपके पास आ जाएगा 5√। आप इसकी जगह जजर लगा दो, क्योंकि 1 और 2 की वैल्यू किसके बराबर है? जजर की। तो ये आप लोगों क्या है आंसर। समझ आ गई? फैक्टराइजेशन करनी जिसको आती है वो क्वेश्चन सिंपली सॉल्व कर लेगा। आगे क्लियर है? देखो ये डिस्टेंस। अच्छा, उसके बाद है आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ये दिया गया है 162। 162 आप लोगों ने 162 की फैक्टराइजेशन करनी है। आप लोग 2 से डिवाइड करोगे, 2 8 1 आ जाता है आप लोगों के पास। उसके बाद आप लोगों के पास ये जो क्वेश्चन है 3 में जाता है, 27 टाइम, फिर 3 9 टाइम, 3 3 टाइम, 3 1 टाइम। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसकी जगह लिख देना है 2 मल्टीप्लाई 3 की 3 कितनी बनती है? 4। लेकिन आप लोग क्या करो, 3 की 3 लिख लो, 3 की 3 लिख लो, मल्टीप्लाई 3 लिख लो। क्यों लिखा 3? क्योंकि जैसे अच्छा 3 अलग है बेटा, ये 3 क्या है? अलग है। आप लोगों ने फिर इस तरह करना है कि आपने 3 की 2 कर लेनी है और 3 की 2 कर लेनी है, और 3 अलग है यानी ये जदर के ऊपर नहीं है। और इधर आप लोगों ने लिखना है 1/2। तो आप लोगों के पास क्या बनता है? 3 का 3 तो इस तरह रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने 2 के ऊपर पावर अलग कर लेनी है, 1/2। 3 की 2 के ऊपर आप लोगों ने पावर अलग कर लेनी है, और 3 की 2 के ऊपर आप लोगों ने पावर अलग कर लेनी है। ये से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाता है? 9। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 2√ लिख देना है। 2√ क्यों निकाल? क्योंकि 1/2 की जो वैल्यू होती वो जजर के बराबर होती है। समझ आ गई चीज की? उसके बाद है हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बेटा 128 की फैक्टराइजेशन करनी है। 128 की आप लोगों ने सबसे पहले 2 पे डिवाइड, 2 6 टाइम, 2 4 टाइम, 2 3 टाइम, 2 2 टाइम और 2 16 टाइम, 2 8 2 4 2 2 और 2 1। यानी जब आप लोग इसकी फैक्टराइजेशन करते हो ना, तो आप लोगों के पास ये वाला आंसर आ जाता है। उसके बाद आप लोगों ने देखना कितने टाइम आया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम आया ना। आप लोगों ने देखना इधर क्या है, 3। आपने लिखना 3/4। 128 की जगह क्या लिखना है? 2 की 3, उसके बाद 2 की 3 और 2। 3 क्यों लिखा है? क्योंकि इधर जदर की पावर क्या है? 1/3। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 3/4, ठीक है। आप लोगों ने सिंपल क्या लिखना है, 2 की 3 की 1/3, ठीक है, 3 की 3 की 1/3, और आपने 3 की 1/3 इस तरह नहीं दिया, ठीक है, नहीं 2 की 3 की, ठीक है बेटा। ये 3 3 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये वाला 3 3 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। आप लोगों के पास क्या बचेगा? 3/4, ठीक है, साथ में क्या बचेगा? 2। इधर भी क्या बचेगा? 2। और इधर क्या बचेगा? 2 है बेटा इधर भी, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या लिख देना है, इसको √2 ऊपर 3 लिख देना, क्योंकि इसके ऊपर से कैंसिल नहीं होता। 2 2 टाइम 4 4 4 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। आप लोगों के पास आंसर क्या हो जाएगा? 3। समझ आ गई है? ये आप लोगों का क्या है आंसर। अब उसके बाद है आप लोगों के पास लास्ट वाला क्वेश्चन इस यूज़ का, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बेटा
96 की सर्जरी करनी है। किसकी सर्जरी करनी है? 96 की। आप लोगों ने लेना है 96। प्रूफ जाते हैं आप लोगों के पास। प्रूफ 4 times 2 8 times 2 2 times 2 4 times 2 1 2 2 2 6 2 3 1 2 3 4 5 2 कितनी बनती है? 5। और 3 की कितनी बनती है? 8 बनती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, लिख देना 2 की 5 और मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद आप लोगों के पास 5 की 6 है ना, लेकिन आप लोगों को पता है जदर के ऊपर क्या है 5। तो आप लोगों ने लिख देना 1/5 आप लोगों ने लिख देना 1/5 को आप लोगों ने इस तरह सॉल्व करना है कि x और x की 5, यानी आप लोगों ने अलग अलग कर लेना है। y की 2, y की 5 और उसके बाद z की 3 और z की 5, यानी ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते इस तरह, यानी देखो आप लोगों के पास 5 है ना, तो आपने हर एक वैल्यू के ऊपर क्या बनाना है? 5 बनाना है। क्या बनाना है? 5। 5 बनाने के लिए आप लोगों ने 6 में से एक अलग कर लिया, 7 में से 2 अलग कर लिया, 8 में से 3 अलग कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हर एक के ऊपर पावर अलग अलग कर दी है। 2 की 5 1/5, 3 की 1/5, x की 1/5, यानी हर एक के ऊपर अलग कर देनी है। ठीक है, x की 5 की 1/5, y की 2 की 1/5 और y की 5 की 1/5। उसके बाद है z की 3 की 1/5 और जो z की 5 है उसकी 1/5। एक ये तरीका है, एक दूसरा तरीका भी है। ठीक है, दूसरा तरीका ये तो आप लोगों ने वैसे देख लिया, दूसरा तरीका इसे सिंपल है थोड़ा। वो ये है कि जो 5 वाले हैं ना उनको अलग कर लें और जो 5 के बगैर वाले हैं उनको अलग कर लें। देखो 5 वाले कौन से हैं? 2 की 5, एक्स की 5, वाई की 5 और जेड की 5। जब सब के ऊपर 5 है ना, उस 5 को आप लोग क्या कर लोगे? सब के ऊपर अलग कर लोगे, यानी एक में कर लोगे। आप कह दोगे कि हर एक के ऊपर हमारे पास क्या है? 5 है। ऊपर क्या है? 1/5। जो 5 के बगैर वाले हैं उनको अंदर कर लो। 3 एक्स, वाई की 2, जेड की 3, 1/5। ये 5 इसे क्या हो जाएगा? कैंसिल। आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 एक्स वाई जी और 3 एक्स वाई स्क्वायर जेड 5 1/5। समझ आई है? समझ आई है? Yes, sir. आप लोगों ने क्या करना है, 96 की सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद x की 6 है, x की 5 बनाना है, y की 7 है, y की 5 बनाना है, z की 8 है, z की 5 बनाना है, और ऊपर क्या ले लेना है? 1/5। ऊपर क्या ले लेना है? 1/5। और हर एक के ऊपर आप लोगों ने 5 वाले अलग कर लेने हैं और जिनके ऊपर 5 नहीं है उनको अलग कर लेने। जब 5 5 से कट जाएगा आप लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा, और इसमें हर एक आप लोगों ने इसी तरह लिख देना है। ये आप लोगों को क्या होगा? आंसर। बेशक आप लोग इसको बेटा जजर की फॉर्म में भी इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, जजर की फॉर्म में, यानी इस तरह। समझ आ गई? ये आप लोगों का आंसर। अच्छा, हमारे पास है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट वाला पार्ट है। यानी आप लोगों के पास ये क्वेश्चन दिया गया, आप लोगों ने इसको सिंपल करना है। क्या करना है आप लोगों ने? इसको सिंपल करना है। सिंपल करने के लिए आप लोगों ने पहले क्या करना है? 18 की तस्दीक करनी है। 18 की तस्दीक करनी है। आपको पता है 2 9 टाइम, ठीक है, 3 3 टाइम और 3 1 टाइम क्या आ जाएगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आप लोगों का तस्दीक आ जाएगी। अंडर रूट 3, अंडर रूट 2। आप लोगों ने क्या करना है? अंडर रूट 2 को अलग कर लेना है, अंडर रूट 3 को अलग कर लेना है, अंडर रूट 3 को अलग करना है, यानी हर एक के ऊपर जिधर जो है वो अलग अलग कर लेनी है। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2। अंडर रूट थ्री से क्या हो जाएगा? कैंसिल। अंडर रूट टू से क्या हो जाएगा? कैंसिल। आपके पास अंडर रूट 3 क्या आ जाएगा? हाँ, समझ आ गई सीधी। उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, आप लोगों ने पहले क्या करना है? 63 की फैक्टराइजेशन करनी है। इसकी 63 की, और आपको पता है जो 63 है ना वो हमारे पास 9 के टेबल में आता है। किसके टेबल में आता है? 9 के। तो 9 7 टा, यानी 9 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हो कितना देता है आप लोगों के पास? 63 7 1 टा। तो आप लोग इसकी जगह क्या लिख दोगे? 21 की आप लोग फैक्टराइजेशन कर लो। 3 7 टाइम और 7 1 टाइम। समझ आ गई इस चीज़ की भी? तो आप लोगों के पास आंसर क्या बन रहा है? 3 अंडर रूट 7, यानी 21 का क्या बन जाएगा? अंडर रूट 3 अंडर रूट 7। समझ आ गई? और उसका क्या बन जाएगा? अंडर रूट 9। 63 का क्या बन जाएगा? अंडर रूट 9 अंडर रूट 7। किस तरह बनेगा ये तरजीह बता रही हूँ। 9 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। 7 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। अंडर रूट 3 आप लोगों का क्या होगा? हाँ, समझ आ गई। उसके बाद है ये 243 की आप लोगों ने करनी है तजी।
किसके टेबल में जाता है, थ्री के टेबल में, किसके टेबल में, थ्री के, थ्री एट टाइम, थ्री वन टाइम, थ्री ट्वेंटी सेवन टाइम, थ्री नाइन टाइम, थ्री थ्री टाइम और थ्री वन टाइम, वन टू थ्री फोर फाइव, थ्री की कितनी बनती है, आपने देना थ्री की फाइव, एक्स की फाइव, इसकी फाइव, डैड की फिफ्टीन, ऊपर क्या है वन ओवर फाइव, वन ओवर फाइव, आप लोगों ने पावर हर एक के लिए अलग अलग कर लेनी है, वन ओवर फाइव, ठीक है, एक्स की फाइव की वन ओवर फाइव, वाई की टेन की वन ओवर फाइव, डैड की फिफ्टीन की वन ओवर फाइव, ये फाइव फाइव से क्या देगा, क्या देगा थ्री, ये फाइव फाइव से कैंसिल क्या देगा, एक्स है फाइव टू टाइम टेन, वाई की क्या देगा टू, फाइव थ्री टाइम फिफ्टीन, डैड की क्या देगा थ्री, ये आप लोगों का क्या है आंसर। उसके बाद है ये वाला लास्ट, अब आप लोगों ने क्या करना है, वन ट्वेंटी फाइव की तस्दीक करनी है, फाइव टू दा फाइव फाइव का, फाइव फाइव टाइम फाइव वन दा, देखो वन टू थ्री, फाइव की इतनी बन गई, फाइव की बन जाएगी थ्री, आपने कहना है फाइव की बन गई थ्री, ऊपर क्या है वन ओवर थ्री, थ्री थ्री से क्या हो जाएगा कैंसल, थ्री थ्री से क्या हो जाएगा कैंसल, फोर ओवर फाइव में डिवाइड फाइव, फाइव फाइव से क्या हो जाएगा कैंसल, आप उनके पास आंसर क्या देगा फोर। अब इस जूस का लास्ट वाला क्वेश्चन है वो भी देख लो, आप लोगों का क्वेश्चन है ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई थ्री, ठीक है, ट्वेंटी वन की आप लोगों ने तद्दी की है क्या बनती है अंडर रूट थ्री अंडर रूट सेवन, तो आप लोग इसकी जगह क्या लिख दोगे अंडर रूट थ्री अंडर, एक ये तरीका है एक दूसरा तरीका है, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों क्या कर दें मल्टीप्लाई, किसके बराबर आ जाएंगे ट्वेंटी वन, थ्री को सेवन से मल्टीप्लाई करोगे ट्वेंटी वन, जब दो वैल्यूज एक जैसी हो, यानी अगर आप लोगों के पास एक्स हो और एक्स हो वो क्या बन जाता है एक्स का स्केयर ट्वेंटी वन अंडर रूट ट्वेंटी वन, दोनों का क्या बन जाएगा अंडर रूट ट्वेंटी वन का स्केयर, ये से क्या हो जाएगा कैंसल, आप लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ट्वेंटी वन, ये आप लोगों का है आंसर, समझ आ गई। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है, ठीक है, सबसे पहले 45 दिया गया, आप लोगों ने 45 की फैक्टराइजेशन कर लेनी, क्या होती है फाइव से कर लो आप लोग, फाइव नाइन टाइम थ्री थ्री और थ्री वन, ठीक है, जब आप लोग 45 की फैक्टराइजेशन करते हो आप लोगों के पास ये आता है, उसके बाद 20 है 20 फैक्टराइजेशन कर लो, 20 फैक्टराइजेशन क्या होगी फोर फाइव टाइम या और चलो टू से कर लो, वैसे फोर से कर लो, फाइव से कर लो, फाइव वन टाइम, समझ आएगी इस चीज़ की, ठीक है, उसके बाद आप लोग फाइव की तो होती नहीं है, इसलिए आप लोगों ने क्या करना है 45 की जगह जो फैक्टराइजेशन की है वो लिख देनी है, थ्री का स्केयर मल्टीप्लाई फाइव, यही आया ना हमारे पास, उसके बाद ये चलो ये टू से कर लो बेटा, सॉरी टू से करो, टू टेन टाइम टू फाइव टाइम फाइव वन टाइम, ठीक है, उसके बाद माइनस थ्री, इसकी क्या बन जाएगी टू की टू और फाइव बन जाएगी, ठीक है, प्लस फोर अंडर रूट फाइव, सबसे पहली बात कौन चीज़ सेम है सब में, अंडर रूट फाइव सब में सेम है, आपने अंडर रूट फाइव कॉमन ले लिया, आपने अंडर रूट फाइव कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचेगा अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, थ्री अंडर रूट टू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फोर अंडर रूट फाइव, इसी तरह आ गया, ठीक है, ये इसे क्या हो जाएगा कैंसल, थ्री आ गया जिससे कैंसिल हो जाएगा, टू को थ्री से मिलेगा कितना देता है सिक्स प्लस फोर, ठीक है, अंडर रूट फाइव आ गया, ठीक है, थ्री और फोर कितना सेवन, सेवन में सिक्स निकाला कितना था वन, वन को इसका मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट है फाइव, ये आप लोगों का क्या होगा पाँच। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखें, सबसे पहले आप लोगों ने ट्वेल्व को करना है, कितना होता है फोर थ्री टाइम, चलो ट्वेल्व की भी तरजी आप लोग सिंपल तरीके से कर लो, यानी ट्वेल्व लो टू सिक्स टू थ्री थ्री वन, यानी फोर आप लोग जो ट्वेल्व होगा ना उसकी जगह क्या देगा टू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थ्री आ गया प्लस फाइव सताइस है ना थ्री नाइन थ्री 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 वन, यानी आप लोगों के पास जो आता है ना थ्री की टू और थ्री आ जाता है, थ्री की टू क्यों किया, थ्री की टू इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जल्दी से कैंसिल हो जाना, उसके बाद है माइनस थ्री, उसके बाद है हमारे पास सेवेंटी फाइव, सेवेंटी फाइव की आप लोगों ने करनी है फाइव से कर लो, फाइव वन दा और फाइव थ्री फाइव फाइव का, ठीक है, और फाइव थ्री टाइम और थ्री वन का क्या बनती है आप लोगों के पास फाइव की टू और थ्री, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद आप लोगों के पास रहेगी थ्री हंड्रेड की,
300 की आप लोगों ने तस्दीक कर लेनी है। आपको पता है 3 के टेबल में जाएगी कितना देगा 100, 2 करो कितना देगा 50, 2 का करो कितना देगा 25, 5 करोगे 5 आ जाएगा, 5 करोगे 1 आ जाएगा। तो आप लोगों के पास जो आता है ना इसको रेट कर लो, तो आप लोगों के पास आ जाएगा प्लस 3, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। समझ आ गई? देखो ये रहा 4, 2 का स्क्वायर जब जिसके ऊपर के ऊपर स्क्वायर होती है वो जैसे बाहर आ जाता है, ठीक है। 5 इधर 3 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 3, इधर 5 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस, इधर क्या बाहर आएगा हमारे पास 2 जरा 5 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा अंडर रूट 3। हर एक चीज़ में कौन सी सेम है अंडर रूट 3, तो आप लोगों ने अंडर रूट 3 का ले लेना है। कॉमन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना देता है 8, 5 को 3 से करो कितना देता है 15, माइनस 5 को 3 से करो कितना देता है 15। ऐसे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। उसके बाद आप 2 को 5 से करोगे कितना देगा 10, विथ अंडर रूट 3 तो कॉमन आ गया, इसे क्या हो जाएगा कैंसिल, इसको इसमें प्लस करो कितना देता है 18 अंडर रूट 3। ये आप लोगों का क्या होगा, हाँ अगर किसी के कैसे ना तो पूछ लो। अच्छा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन 3 है और ये 4 वाला, ठीक हो गया। सबसे पहले हम क्वेश्चन 3 करते हैं। हमारे पास देखो दोनों में कौन सी सेम है अंडर रूट 3, आप लोगों ने वो कॉमन ले लेनी है, 2 प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ये कितना आ जाएगा 5, ये से क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 को किसे मल्टीप्लाई करना है 5 से, कितना जवाब आ जाएगा 15। समझ आई है? अब ये देखो ये क्या था हमारे पास, ये 5 है, क्या है ये 5, ये देखो दोनों सेम है ना, तो आवाज ना आए कि दोनों में से आप लोगों ने अंडर रूट 5 का मान ले लेना है। आज पास जाएगा 6 माइनस 3, 6 में से 3 निकालो क्या देगा 3, तो आप लोगों ने लिख देना 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना देता है 5, ये हमारा क्या होगा हाँ। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये उसका पहला और ये उसका दूसरा पार्ट है। अच्छा देखो एक दफा वैल्यू प्लस में दी गई है, एक दफा माइनस में, आपको पता जब एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में हो, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना देगा 9, इसका कैंसिल हो जाएगा जधर से 9 में से 3 निकालो कितना देगा 6। समझ आ गई? उसके बाद आप लोगों ने इसका स्क्वायर ओपन करना है, स्क्वायर ओपन करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कुलिया लगाना, वही पहली रकम का स्क्वायर प्लस 2 पहली रकम दूसरी रकम दूसरी रकम का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा कितना जवाब आ जाएगा 5, 2 और जब भी जधर में वाले थे ना उनको आपस में जरा देते हैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना देता है 15, ये कितना आ जाएगा 3, 5 और 3 कितना आ जाएगा 8, 2 अंडर रूट 15, ये हमारा क्या है आंसर। समझ आ गई है? क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है उसका थर्ड वाला पार्ट है, एक दफा जमा में एक दफा माइनस में, आपने पहले रकम का स्क्वायर करना है माइनस दूसरे रकम का स्क्वायर करना है, ठीक हो गया। इसका स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 3 आ जाएगा, 5 माइनस 3 किसके बराबर होता है 2 के, ये हमारा क्या है 8। उसके बाद देखो फिर आप लोग एक दफा जमा में एक दफा माइनस में, आपने पहले रकम का स्क्वायर करना है माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर करना है, ठीक है। इसका स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया 2 आ जाएगा, इसका बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा 1 ओवर 3 आ जाएगा, एलसीएम लेना मैंने आप लोगों को कहा है 3 और 1 आ जाएंगे, ठीक है 3 इधर चला जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, ठीक है जिसने सीखना वो पीछे वाली वीडियो देख लेता है। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 6, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 3 को 1 से करोगे कितना आ जाएगा 3, 6 को 1 में से निकालो कितना आ जाएगा 5 ओवर 3, ये हमारा क्या है आंसर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5, आप लोगों ने क्या करना है तो एक दफा जमा में एक दफा माइनस में, आप लोगों ने पहले रकम का स्क्वायर करना है माइनस है दूसरी रकम का स्क्वायर करना है, बाकी रकम ऐसे सीधे लिख देनी है, ऐसे लिख देने उसी तरह लिख देने एज इट इज, जैसे कैंसिल हो जाएगा ये से कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर जैसे से कैंसिल हो जाता है, एक्स माइनस वाई आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है पीछे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दफा माइनस में एक दफा जमा में आपने पहले कम का स्क्वायर कर लेना है माइनस है दूसरे कम का स्क्वायर कर लेना है, इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक दफा जमा में एक दफा माइनस में आपने पहले कम का स्क्वायर कर लेना है माइनस है
दूसरे टर्म का स्क्वायर करना है एक्स की फोर माइनस वाई की फोर, ये आप लोगों का आंसर है। अल्लाह हाफिज़, ये आप लोगों का।